कुछ याद आया आपको? सहरिश? अच्छा वो सहरिश, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता रुखसाना, अगर वो यहाँ आ भी गई है तो तुम्हें उससे क्या मसला है? उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो किसी अच्छे मकसद से यहाँ नहीं आई। बहुत ही बड़ा घर है उसका। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरी फहद से शादी हो गई होती तो उस घर पे आज मैं राज कर रही होती। तुम दिल छोटा ना करो बेटा, एक ना एक दिन तुम उस घर पर राज जरूर करो। तुझे बिन दुनिया खाली, तुझे बिन दुनिया खाली। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। सायरा, सायरा, चाय पी। थैंक यू। हाँ। कैसे है तुम्हारा बेटा? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। मुझे मिस करता है जब मैं यहाँ आती। आपका बेटा बहुत प्यारा है, मेरा तो बहुत दिल लग गया उससे। थैंक यू तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। थैंक यू की कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है किसी की खिदमत करना, कोई बेहतर हो जाए। बस आप जल्दी से ठीक। क्या हुआ? मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अच्छा एक से पानी पियोगे? नहीं। अच्छा मैं आती हूँ।
फहद आपको इतनी देर हो गई आज? हाँ वो आज काफी दिनों के बाद ऑफिस गया था ना, काम काफी पाइल अप हुआ था इसलिए। अच्छा ये दे दीजिए। अरे रहने दो सरिश, मैं संभाल लूंगा। अरे दे दीजिए ना, आप वैसे ही थके हुए लग रहे हैं। सरिश मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा, और वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो तुमने मेरी बहुत मुश्किलें आसान कर दी। आप फिक्र ना करें, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी सारी मुश्किलें खत्म करूं। सरिश मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगा। आप इसे एहसान समझे ही नहीं, फिर उतारना भी नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी, बहुत गलत सुना था तुम्हारे बारे में। बस किस्मत की बात है। आपको भूख लग रही होगी ना, मैंने खाना लगाया हुआ है, चलें खाना खा लें। हाँ वो मैं सोच रहा था कि मैं सारे के साथ ही खा लूं। वो तो खा चुकी। खा चुकी? हाँ और वो सो भी चुकी है। अच्छा आप सोच क्या रहे हैं, आप खाना खा लें, इस बहाने मैं भी खा लूंगी। क्या मतलब तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं वो मैंने आपका इंतजार कर रही थी, मैंने सोचा आप आएंगे तो आप ही के साथ खाऊंगी। सरिश कमाल करती तुम। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके खा लो, मैं सायरा का वेट करूं, वो जाग जाएगी तो उसके साथ खा लो। नहीं ठीक है, वो फिर मैं सोच रही थी देर बहुत हो गई तो मैं घर ही चली जाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर ड्राइवर को बोलता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे। नहीं नहीं वो मैं खुद ही चली जाऊंगी, वो रास्ते में मुझे एक और जगह काम भी है, बस मैं अपना बैग लेती हूँ। चल चल ठीक है। कौन है? तुम? तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि क्या गलत है क्या सही। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम भूल गई थी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें याद दिलाना जरूरी था। मैं फहद से मोहब्बत करती हूँ, मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। ये तो मेरे हाथ में है, तुम क्या समझी थी फहद मेरी बात नहीं मानेगा? तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, यही सोच रही थी ना तुम? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, बोलती क्यों नहीं? उस दिन तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि फहद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो कभी नहीं मुझे छोड़ेगा, इस घर में मुझे बराबरी का हिस्सा मिलेगा। कहां गई वो सारी बातें? तुम एक घटिया औरत। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी कि जिस तरह मैं तुम्हें फहद की जिंदगी में ला सकती हूँ उसी तरह निकाल भी सकती हूँ। मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। अरे मुझे तो एक ऐसी देवरानी चाहिए थी जो मेरे हिसाब से चलती। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। देखिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज आप ऐसा ना करें, अब एक मरतबा मेरी फहद से शादी करा दें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? नहीं नहीं आप तो बहुत अकलमंद है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपसे बराबरी करने के बारे में सोच रही थी। तुमने समझने में बहुत देर कर दी। देखिए प्लीज ऐसा मत करें, मैं फहद को नहीं भुला सकती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती है, प्लीज एक मरतबा मेरी फहद से शादी करा दे, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ फहद को, तुम इस घर का कभी हिस्सा नहीं बन सकती। बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाओ। पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हैरान तो ही होगी मुझे देखकर। तुम्हें यहां देखकर हैरत नहीं हुई मुझे? मैं जानती थी जरूर आओगी तुम, बस इस बात की हैरत है कि इतनी देर क्यों लगा दी तुमने। बस कुछ वक्त साथ नहीं दे रहा, वरना ये हैरानी भी ना हो। तुम बिल्कुल नहीं बदली रुखसाना,
ऐसे के वैसे बदल तो मैं बहुत गई हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं अभी वो रुखसान हूँ। ये तो अच्छी बात, शायद तुम्हारे लिए ये तो वक्त ही बताएगा। फिर से वक्त की गलत फहमी में मत रहना, वरना फिर नुकसान उठाओगे। नुकसान उठाने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, जितना नुकसान उठा चुकी है ना उससे बहुत कुछ सीखा है। देखते हैं। खैर यहाँ क्यों आई, तुमसे बात करनी। क्या एक वक्त था कि तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी और आज मुझसे मेरे घर में बात करने के लिए आई? मेरी ये मजबूरी है, वरना ये नौबत ना आती। तुम और मजबूर? यकीन नहीं हो रहा मुझे। बोलो क्या कहना। तुम फहद से दोबारा मिलने लगी, हालांकि तुमने तो ये सोच लिया था कि अब मैं फहद से कभी नहीं मिलूंगी। तुम उसके घर क्यों आती हो, क्या मकसद है तुम्हारा इस सब के पीछे? सोई रहो सोई रहो, मैं बस वैसे ही देखने के लिए आया था। कब आए? बस अभी अभी। तबीयत कैसी है? आपको कैसे पता चला मेरी तबीयत खराब थी? सरेश ने बताया था। आज ज्यादा चक्कर आ गए थे। कोई बात नहीं, हो जाओगी ठीक। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? बात एक बात कहूं? कहूं? बात अगर मुझे कुछ हो गया तो। सायरा आप, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। बात अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखिएगा। क्यों निकालते हो ऐसी बातें मुझसे? कितनी बार मना किया तुम? क्योंकि जिंदगी है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हें हजार बार पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह की बातें मत सोचा कर। नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। आप भी मुझसे वादा करें, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का ख्याल रखेंगे, वादा। जरा सा भी अंदाजा है तो कि तुम्हारी इस तरह की बातें कितनी तकलीफ देती है मुझे। मत क्या करो इस तरह की बातें, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सुना तुमने, हम एक साथ जुनेद का ख्याल रखेंगे, उसे बहुत सारा प्यार देंगे, उसे एक साथ बड़ा करेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो उसकी जल्दी से शादी कर देंगे और उसके बाद हम अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगे। और तब तक तुमने बिल्कुल नहीं रोना। आगे की सोच के? दूर की नहीं सोचता, सिर्फ अच्छा सोचता हूं बस। चल छोड़ो ये बातें, भूख लगी हुई है मुझे इतनी, ऑफिस से आके खाना भी नहीं खाया मैंने। कोई ख्याल भी नहीं रखता है ना, अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने सोचा था मैडम कि मैं घर आऊंगा तो अपनी बेगम साहिबा के साथ खाना खाऊंगा, यहाँ आया तो मालूम हुआ कि बेगम साहिबा ऑलरेडी खाना खा के सो चुकी है। मैं तो आपका इंतजार करते करते सो गई थी, खाना नहीं खाया मैंने। क्या मतलब खाना नहीं खाया तुमने? लेकिन सरिश तो कह रही थी कि अच्छा खाना मंगवाया ना छोड़े सरिश को। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ मुझसे भीख मांगने के लिए आई हैं कि मैं फहद का पीछा छोड़ूं? कुछ भी समझ लो लेकिन उसका पीछा छोड़ दो। क्यों पीछे हटूं मैं? पहले भी तो तुमने फहद को मेरी जिंदगी से निकाला था ना, रोका था उसे, तो मेरे पास यहाँ लेने क्या आई? देखो फहद की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। वो अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता है, उसकी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जगह खाली भी हो सकती है। क्या मतलब? एक दफा पहले फहद की जिंदगी से मुझे हटाकर तुमने खाली जगह पर सायरा को खड़ा कर दिया, तो आज सायरा फहद की जिंदगी में मेरे लिए जगह खाली कर दी। पहले बात और थी, अब वो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, तुम उसका बसा बसाया घर खराब करने की कोशिश कर रही हो। ये गलती मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो तुम्हारी सोच, मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी एक बात से मुझे अपनी बात याद आ रही है। मैंने भी यही कहा था ना तुम्हें, कितना गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे सामने लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। अगर तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ने को भी तैयार हूँ, तुम्हारी मिन्नत करने को भी तैयार हूँ। नहीं रुखसाना, उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, आज मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बहुत कुछ सहा है मैंने, इतना लंबा अरसा इंतजार किया है, अब मैं फहद को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फहद से दूर रहो और उस घर से भी। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और तुम जा सकती हो यहाँ से। बेटा, इतनी देर से दरवाजे पे खड़ी किससे बातें कर रही थी? तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है मालिक मकान आया था पैसे लेने। नहीं अम्मा, वो नहीं आया था। तो कौन आया था? रुखसाना आई थी। रुखसाना? वो जिसने तुम्हारी शादी रुकवाई थी फहद से? हाँ अम्मा, वही रुखसाना। क्यों आई थी? मेरी जिंदगी में एक मरतबा फिर रुकावट बनना चाहती है। मेरा बच्चा, वो तो हमेशा से तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बनी हुई है। नहीं अम्मा, इस दफा मैं ये नहीं करने दूंगी उसे, मैं उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगी। उससे हल्का मत लो बेटा, वो बहुत तेज और शातिर है। अम्मा आप देखिएगा, इस मरतबा अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी उसे मैं, बल्कि मैं उसकी जिंदगी से खेलूंगी। समझते क्या अपने आपको? कहाँ जा रहे हैं फहद? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ यार। लेकिन आपने तो कहा था आज ऑफिस नहीं जाएंगे। एक जरूरी मीटिंग आ गई, दिल तो बिल्कुल नहीं जा रहा लेकिन क्या करूं, इम्पोर्टेंट है जाना। लेकिन आई प्रॉमिस कि शाम को जल्दी वापस आऊंगा, फिर हम अपने बेटे को लेके कहीं घूमने चलें। क्या बात है सारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है तुम्हें? क्या हुआ? सर में दर्द है बहुत। दवा खाई है तुमने अपनी के नहीं? क्या मतलब, सरिश ने अभी तक दवा नहीं दी थी? नहीं, वो अभी तक आई नहीं है ना। आई नहीं? मेरा तो ख्याल था आ चुकी होगी अभी तक। और सायरा, अगर उसने तुम्हें दवा नहीं दी, वो नहीं आई तो तुम खुद खा लेती यार। फहद, मैंने बहुत ढूंढ ली लेकिन मुझे मेडिसिन नहीं मिली। सरिश इस कदर गैर जिम्मेदार हो सकती है? मैं डर, मैं फोन करता हूँ उसे।
फोन भी बंद आ रहा है उसका। अच्छा कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं आती होगी वो। अरे नहीं नहीं ऑफिस नहीं, मैं जाके दवा लेकर आता हूँ। मैं ड्राइवर से मिलवा लूंगी, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप जाएं प्लीज, कोई बात नहीं। ठीक हूँ। पक्का? ज्यादा वेट मत करना, ड्राइवर से कह के मंगवा लेना दवा। मैं भी जा रहा हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो आराम करो। रुखसाना, रुखसाना को छोड़ दो ना, उनसे मैं बात करूंगा, वो दोबारा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी, मैं गारंटी देता हूं। तुम इस घर में नहीं रह सकती, बस जाओ, जाकर अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद करने जा रही थी, उल्टा अपने लिए इस घर के दरवाजे बंद करवा दिए तुमने। ये मत समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर तो तुम हो गई हो, तुम्हारा सुनने वाला अब कोई रहा नहीं है। तुझे बिन दुनिया खाली, तुझे बिन दुनिया खाली। तक तो फहद की कॉल आ जानी चाहिए थी, उसने अब तक कॉल क्यों नहीं की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले की तरह फिर से गलतफहमी का शिकार हो जाऊं। मुझे फहद को कॉल करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। फहद की कॉल जरूर आएगी, इस वक्त मैं उसकी जरूरत हूं। क्या बात है बेटा, आज तुम फहद के घर नहीं गई? नहीं। क्यों, मना कर दिया उसने? मुझे पता था बेटा कि रुखसाना कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के रख दिया तुम्हें। माँ कैसी बातें कर रही हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं गई तुम? खुद से नहीं गई। खुद से नहीं गई, पागल हो गई हो क्या? अपने पैरों पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार दी तुमने। अम्मा आप नहीं समझ रही मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो फिर समझाओ। अच्छा सुन, मैंने ये सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी ना तो वो पूछेगा तो जरूर कि क्यों नहीं जा रही। मैं सारा किस्सा जो है वो रुखसाना पे डाल दूंगी, फिर वो रुखसाना को घर से बाहर निकाल देगा, वो बाहर मैं। अच्छा तो ये बात है। हेलो। हाँ सायरा। हाँ दवा खा ली तुमने? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वो सहरिश आई कि नहीं आई? क्या अभी तक नहीं आई? अच्छा चलो मैं करता हूँ उसे कॉल। ओके ओके खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना, बाय। सहरिश क्यों नहीं आई अभी तक? बहुत चलाक हो गई है मेरी बेटी। हाँ अम्मा, जब पैरों में एक मर्तबा कांटा चुभ जाता है ना तो अगला कदम बहुत संभाल के रखना पड़ता है। मैं भी बस यही कर रही हूँ, रुखसाना को अगली चाल रचाने नहीं दूंगी। खुदा करे इस बार तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओ। हाँ अम्मा, इस बार मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। हेलो जी फहद। हाँ सरिश, कहाँ तुम? मैं घर पे हूँ। तो तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मैंने खुद ही बंद किया था। खुद किया था? तो सरिश तुम घर पे क्यों नहीं आई? तो मैं मालूम भी है कि सायरा को तुम्हारी कितनी जरूरत है। जी जानती हूँ। जानती और फिर भी नहीं आई? वो फहद अब मैं आपके घर नहीं आ सकती। सरिश ये तुम क्या कह रही हो, क्या हुआ, क्या है? वही जो आप सुन रहे हैं। पर क्यों सरिश, तुम ऐसा कह क्यों रही हो? कोई बात हुई है, कोई तुम्हें बात बुरी लगी है, कोई परेशानी है तो मुझसे डिस्कस करो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। नहीं नहीं फहद,
इस पर बात करने के बजाय अगर इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर में कोई मसले पैदा हों। मेरे घर में क्या मसला होगा भाई? सरिश, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बातें कर रही हो। कहीं सायरा ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। अगर वो मुझसे कुछ कहती भी तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। सरिश, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और वहाँ आके आमने सामने बैठ के बात होगी, ठीक है? I'll see you in a bit. Bye. फहद, क्या हुआ? खैर है? आ रहा है। मेरी नहीं बनाई चाय? बना दू? हाँ, पहले पी लो तो। शाबाश। तुम ये चाय भाई छोड़ो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। तो सरिश, मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर किस तरह करूंगा? उकसाना भाभी आई थी कल रात मेरे घर। क्या? भाभी यहाँ आई थी? क्यों? सरिश, कुछ पूछना तुमसे। वो मुझे धमकी देके गई है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। वो समझ रही है कि मैं तुम्हारा घर खराब करना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हारे घर आई थी। What nonsense. मेरा खुदा जानता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सरिश, तुम्हें वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। नहीं फहद, मैं अब आपके घर नहीं आ सकती। मेरे पास मेरी इज्जत के सिवा और कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं। देखो सरिश, भाभी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इस बात से आपका क्या ताल्लुक? आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर ना सही, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा दिल तो दुखा है ना। और वैसे भी भाभी अब हमारे साथ नहीं रहती। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से भाईजान ने उन्हें अलग कर दिया। उनसे खैर छोड़ो, सरिश प्लीज चलो मेरे साथ। घर पे सारा तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन रुखसाना, रुखसाना को छोड़ दो ना, उनसे मैं बात करूंगा, वो दोबारा तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करेगी, मैं गारंटी देता हूं। देखिए फहद, मैं आपके घर नहीं जाना चाहती, लेकिन सायरा की वजह से मैं आपको रोक भी नहीं सकती। उसे मेरी जरूरत है ना, बस इसी वजह से मैं आपके साथ जाऊंगी। थैंक्स। और तुम्हें दोबारा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं। आप चाय पीजिए, मैं आती हूं। चलिए, आप दोनों का भाई है, ठीक है? आपने उसका ख्याल रखना है। हाँ, उसे आपकी जरूरत है। अगर एक होकर रहोगे ना तो कोई आपको अलग नहीं कर सकेगा। मेरी बात समझ गए? क्या पट्टियां पढ़ा रही हो मेरे बच्चों को? अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। बाबा, मम्मा को यहीं रहने दें। ईमान प्लीज, आप कुछ ना कहें और जाएं यहाँ से, और कासिम को भी साथ ले जाएं। चलो, शाबाश। क्या बात? मैं बिल्कुल सही सोचता था, तुम वाकई नहीं बदल सकती। मैं तो शायद बदल सकती हूँ, लेकिन आपके सोच और नजरिए को नहीं बदल सकती। क्या हुआ है मेरे नजरिए को? अरे तुम तो अभी इस घर की दुश्मन ही हो। क्यों गई थी सहरिश के पास, बताओ रुखसाना? और तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? एक आखिरी मौका मिला था, लेकिन तुम इस घर के मामलात में मुदाखलत करने से बाजी नहीं आई। आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरा यकीन करें, मैं उसके पास किसी गलत मकसद के तहत नहीं गई थी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा मकसद था ना कि उसके पास गई, उसे धमकी दी कि वो इस घर में नहीं आए। इस घर की भलाई के लिए। वो यहाँ सायरा की देखभाल करने आई। एक ट्रेन्ड नर्स है, उसका एहसान है हम पर। एहसान नहीं, मफाद है उसका। मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं।
उस बेचारी के एहसान को मुफाद बनाकर तुम अपना मकसद पूरा करना चाहती हो। भला मेरा क्या मकसद हो सकता है? वो मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से फहद को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फहद को धोखा दे रही है, बेवकूफ बना रही है। धोखा वो दे रही है या तो? ये तो गनीमत ही रुखसाना कि तुम्हें मौका मिला था कि तुम वापस इस घर में आओ, अपने आप को साबित करो कि तुम बदल चुकी हो। लेकिन तुम जिस घर में आने की फिक्र नहीं है, इस घर के बिखरने की फिक्र है। ठीक है, आप मुझ पर यकीन ना करें, लेकिन उस पर भी यकीन ना करें। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता रुखसाना, तुम इस घर में नहीं रह सकती, बस जाओ, जाकर अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। कहाँ जा रही हो? ओ, मैं तो भूल ही गई थी, ये घर तो अब तुम्हारा है नहीं, अपने घर जा रही हो। इस बार मैं अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, और मैं तुम्हें इस घर के लोगों से खेलने नहीं दूंगी। तुम अब कुछ नहीं कर सकते, जरा देखो खुद को। मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद करने जा रही थी, उल्टा अपने लिए इस घर के दरवाजे बंद करवा दिए तुमने। ये मत समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। कमजोर तो तुम हो गई हो, तुम्हारा सुनने वाला अब कोई रहा नहीं है। कभी ना कभी तो सुनेंगे। तुम्हारी हसरत रह जाएगी। झूठ के पाँव नहीं होते, एक ना एक दिन उसका भांडा फूट ही जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, एक ना एक दिन तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। इस बात की नौबत नहीं आने दूंगी मैं, तुम बहुत जल्द मुझे फहद के साथ पाओगे। मैं फहद से शादी कर लूंगी और तुम बस सिर्फ देखती रह जाओगी। अभी तो सिर्फ सारा का हाथ काम करना छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी काम करना छोड़ दिया। कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप इलाज करें ना तो उसका, फिर ठीक करें उसे। सायरा, थैंक यू। तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने मुझे बताया नहीं। जी वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी मैं, वैसे भी मेरी परेशानी है। परेशानियां बांट लेने से परेशानियां कम हो जाती हैं। जी आप ठीक कह रही हैं, अब तो आदत सी हो गई है मुझे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ तुम पे जो गुजरी है। जी क्या बताऊं आपको, शायद किस्मत ने मेरे साथ यही लिखा था। मुझे अपने बेटे का सहारा है,
उसी के लिए जी रही हूँ। वो ना होता तो कब का मौत को गले लगा लेती मैं। ऐसा नहीं कहते, नाउम्मीदी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। ये बुरा वक्त टल जाएगा, तुम देखना, तुम्हें जरूर खुशियां मिलेंगी। खुशियां ऐसे थोड़ी मिलती हैं, इस दुनिया में हासिल करनी पड़ती है। ये सोच गलत है। जबरदस्ती हासिल की गई खुशियां बहुत नुकसान देती हैं। जी शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे कोई और रास्ता ही नजर नहीं आता, इसी वजह से ऐसी बातें कर जाती हूँ। रास्ता है सब्र, बेहतरीन रास्ता है। सब्र का दामन थाम लो और अच्छा वक्त आ जाएगा। जी मेरा बेटा ठीक हो जाए इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ ना, मैं इलाज करा दूंगी उसका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दवाई का टाइम हो गया, मुझे देना। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, आपने तो सुबह को भी नहीं खाई होगी ना दवाई। खा ली थी दवाई। ड्राइवर से मंगवा ली थी मैंने। अच्छा कहाँ रखी है दवाई? बाकी दवाइयों के साथ रखी है। इतना मुश्किल है सच्चाई के रास्ते पर चलना, कोई आपकी बात का यकीन ही नहीं करता। आप अच्छाई करके भी बुरे बन जाते हैं। एक वो वक्त था जब मैं ढिठाई से झूठ बोलती थी और सब यकीन कर लेते थे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एक दफा पहले फाहद की जिंदगी से मुझे हटा तुमने खाली जगह पर सायरा को खड़ा कर दिया, तो आज सायरा फाहद की जिंदगी में मेरे लिए जगह खाली कर। बहुत जल्द मुझे फाहद के साथ पाओ, मैं फाहद से शादी करूंगी और तुम बस सिर्फ देखती रह जाओ। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं सैरिश को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। आज तो मेरे कासिम ने सबको हैरान कर दिया स्कूल में। अच्छा जी, कैसे हैरान कर दिया भाई कासिम ने? आज मैंने अपनी क्लास में एक चोर को पकड़ा, वो सबके बैग में से चोरी कर रहा था। अच्छा तो आपने कैसे पकड़ा उसे? वो मेरे बैग में से भी चोरी कर रहा था, मैं उसको पकड़ लिया। जबरदस्त यार, हमारा कासिम बहुत समझदार हो गया। क्यों? हाँ मैं समझदार हूँ।
चल खाना खा। पानी। क्या बात है सारा, तुम ठीक हो ना? फहद तुम ठीक तो हो ना सायरा? अम्मा क्या हुआ आपको? फहद मेरा आंसू काम नहीं कर रहा। जी बेटा मामा ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ मामा को। सायरा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। भाईजान जरा बच्चों को। आओ बच्चों, मैं आप सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। अच्छा जुनैद आओ बच्चे। बेटा आप जाओ, ताया अबू के साथ जाओ। कुछ नहीं हुआ। उठो मेरे साथ कमरे में चलो। आओ उठो उठो उठो। सायरा 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 लो बच्चों आइसक्रीम खाओ। ताया अबू मम्मा ठीक है क्या? पापा छोटी मम्मी क्यों रो रही थी? पापा छोटी मम्मी का हाथ क्यों नहीं उठ रहा था? ताया अबू मम्मा का हाथ खराब हो गया है क्या? नहीं जुनैद बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ताया अबू मुझे मम्मा के पास जाना है। नहीं बेटा अभी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बाद में मिल लेना। ये आइसक्रीम तो खाओ। नहीं मुझे अभी जाना है। जुनैद जिद नहीं करते, पापा ने मना किया था ना। पापा आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ना। अम्मा तुम तो समझदार हो, क्यों अपने भाइयों का दिमाग भटका रही हो? लो अब आइसक्रीम खाओ। लेकिन पापा। ईमान मैंने कह दिया ना। अच्छा आप लोग आइसक्रीम खाएं, मैं बस अभी आता हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये इनका बाजू क्यों अचानक से बेजान हो गया? सब खैरियत? हाथ नहीं साधा। ये इमरजेंसी प्लीज आइए। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे खुल के बताएं उसे हुआ क्या है सारा को। फर्क क्या बताऊं, सारा की हालत खराब हो चुकी है। क्या मतलब? फर्क अभी तो सिर्फ सारा का हाथ काम करना छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी काम करना छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप इलाज करें ना तो उसका, फिर ठीक करें उसे। बहुत देर हो चुकी है, कोई दवाई असर ही नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? आपने कहा था कि
दवा रेगुलरली देंगे तो ठीक हो जाएगी, और मैंने बिल्कुल रेगुलरली दवा दी है, कोई उसका डोज मिस नहीं हुआ, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोगों को सारा की बीमारी का बहुत तेज से पता चला, जिस तरह से दवाई को असर करना चाहिए था इस तरह से दवाई ने काम नहीं किया। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? कोई इलाज होगा उसका, कोई तो रास्ता होगा ना जिससे वो ठीक हो जाए डॉक्टर साहब? मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है डॉक्टर साहब। पर मुझे तुमसे हमदर्दी है, बस मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी बीवी को टाइम दो, उसको खुश रखने की कोशिश करो। यंग मैन, आई एम वेरी सॉरी। क्या हुआ? आप यहां क्यों खड़े हैं इस तरह से? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं सायरा का सामना कैसे करूं। क्या कहा डॉक्टर ने? सायरा नहीं बचेगी। क्या क्या कह रहे हैं आप? यही हकीकत है, मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ रही है, मर रही है मेरी सायरा, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सरेश, सब क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मैं आके सायरा को ठीक कर दूंगी। उसे तो खुद भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो गया। इस वक्त सायरा के पास होना चाहिए, आप जाएं।
ठीक कह रही हो तुम, देख क्या आता हूँ उसे। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। हम लोग बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसकी मौत के इंतजार के। तुझे बिन दुनिया खाली, तुझे बिन कहाँ चले गए थे आप? मैं तो यही था, वो तुम सो रही थी ना, तो मैंने फिर सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। हाथ मेरा बाजू कांपने कर क्या? हाँ वो याद आया, हुई थी मेरी डॉक्टर से बात, तो वो कह रहे थे कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाओगी ठीक। झूठ बोल रहे हो, मुझे क्या हुआ फहद? मुझे कुछ हो गया है ना? सर ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना आपके साथ, चुनौत के साथ मैं जीना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा तुम, तो देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो तुम फिर आराम। सब क्या हो गया भाईजान? मेरी आंखों के सामने मेरी अस्थि खेलती दुनिया उजड़ रही है। सायरा मरी है भाईजान, फहद हौसला रखो फहद, और ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक ना एक दिन जाना हम सबको है। अफसोस सिर्फ इस बात की है कि अल्लाह ताला सायरा को बहुत जल्दी बुला रहे हैं। नहीं भाईजान, ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसे।
बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज कराऊंगा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा उसे, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। फहद होश में हो फहद, सारे बड़े डॉक्टर से तुम मशवरा ले चुके हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हाँ तो भाई जान डॉक्टर्स है ना, खुदा तो नहीं है ना कि उनकी कहीं भी बात हर्फे आखिर साबित हो। मैं सायरा को मुल्क से बाहर लेके जाऊंगा, बाहर ले जाके उसका इलाज कराऊंगा, यहाँ इलाज ही नहीं कराऊंगा उसका। खुदा के लिए अपने जज्बातों पर काबू रखो फहद, तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा, अपने आप में हिम्मत पैदा करनी होगी। मुझे मैंने वादा किया था उससे कि कुछ नहीं होने दूंगा उसे, मैं मरने नहीं दे सकता भाईजान। मेरा तो यही मशवरा है फहद कि तुम सायरा को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं भाईजान, अभी कुछ नहीं बता सकता उसे। ये तुम गलत कर रहे हो, अभी नहीं बताओगे तो फिर कब बताओगे? बताने पर वक्त इतना ही है बेचारी के पास, खुदा ना खास्ता बहुत देर ना हो जाए। तो भाईजान क्या कहूं उससे, क्या ये जाके कहूं कि मरने वाली है? हम लोग बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते सवाए उसकी मौत के इंतजार के। बात वो बच्ची नहीं है, समझदार है, समझ जाएगी कि हमारे बस की बात नहीं है। भाईजान यही तो मैं नहीं चाहता कि वो समझे, मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी की उम्मीद हारे, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी बची खुची जिंदगी इस तकलीफ में गुजारे कि वो मर रही है। क्या उसे धोखे में रखना चाहते हो? जी रखना चाहता हूं धोखे में, क्योंकि मैं इस धोखे को हकीकत में बदलूंगा। भाईजान कभी कभार एक उम्मीद बिना इंसान को जिंदगी की तरफ वापस ले आती है, और मैं सायरा से ये उम्मीद किसी कीमत पे नहीं छीनूंगा। ठीक है फहद, ये तुम्हारी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल हालात हैं, जो भी फैसला करोगे बस सोच समझ के करना।